अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल सुनने में ये आ रहा है कि YouTube जो है ना मैक्सिमम चैनल जो है ना वो डिलीट कर रहा है। वो डिलीट क्यों कर रहा है दोस्तों, इसकी क्या वजूहत होती है आज मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों पहले तो आप ये सुनते थे कि किसी के चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस की वार्निंग आ गई है, उसके बाद एक नंबर स्ट्राइक आ गई, फिर दो स्ट्राइकें आ गई, फिर तीन स्ट्राइकें आ गई। जब तीन स्ट्राइक आ जाती थी तो क्या करता था YouTube, आपके चैनल को डिलीट कर देता था। तो अभी दोस्तों ये सुनने में आ रहा है कि YouTube कोई भी वार्निंग या स्ट्राइक नहीं देता है, लगातार चैनल डिलीट कर देता है। मतलब कि आपको कोई भी वार्निंग नहीं मिली, आपका चैनल डिलीट हो गया। इसके पीछे क्या वजूहत होती है दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा। देखें दोस्तों, आप YouTube पे काम कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ उनके पॉलिसीज में काम करना फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी की जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उनको फॉलो करके उस कंपनी में काम करते हैं तो आप उसकी कंपनी में काम करते रहते हैं। अगर आप उनके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं उनकी, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको कंपनी वाले क्या हैं, आपको वो डिसमिस कर देते हैं, मतलब आपको वो जॉब से फारिग कर देते हैं। सेम इसी तरह दोस्तों YouTube के भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको आपने फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो करते रहेंगे उन पॉलिसीज़ को तो आपका चैनल रुका रहता है और आप उससे अर्निंग करते रहते हैं। अगर आप उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं YouTube की फॉलो नहीं करते हैं तो आपका चैनल रिमूव कर दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है, मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखें दोस्तों, YouTube की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। सबसे पहले देखो स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, इसमें दोस्तों क्या आ जाता है, एक नंबर में आपको मैं मार्क कर देता हूँ, फेक इंगेजमेंट, दो नंबर में इंपर्सोनेशन, तीन नंबर में एक्सटर्नल लिंक्स, चार स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम्स, प्लेलिस्ट, एडिशनल पॉलिसीज। अभी चलो दोस्तों मैं इनको आपको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल तौर पे पहले नंबर में फेक इंगेजमेंट, मतलब आपका जो कंटेंट है किसी और टॉपिक पे है, आप कुछ और बता रहे हैं, तो इससे भी आप YouTube की कम्युनिटी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा इंपर्सोनेशन, दोस्तों ये जो इंपर्सोनेशन पॉलिसी होती है ना YouTube की, इसको ये बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपका चैनल का नाम है शफीक टैलेंट, मतलब मैं अपने चैनल का बता रहा हूँ, आपका भी कोई भी नाम हो सकता है, तो आपने क्या किया, किसी बड़े यूट्यूबर का नाम है उसको मैच करने के लिए आपने उसका नाम लिख दिया, सेम नाम, मतलब शफीक टैलेंट के नाम से एक बड़ा चैनल है, आपने भी सेम नाम लिख दिया, साथ में एक दो तीन नाम जैसे लिख दिया। तो जब दोस्तों आप ऐसे करते हैं तो यूट्यूब के जो एल्गोरिथम में आपका ये आता है, तो फिर यूट्यूब क्या करता है, आपका चैनल रिमूव कर देता है। फिर दोस्तों तीन नंबर में जो था ये एक्सटर्नल लिंक्स, जब आप बहुत ज़्यादा लिंक शेयरिंग कर देते हैं ना दोस्तों, इससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और आप एक ही लिंक को खास तौर पे बार बार जब कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो फिर भी आपका चैनल रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस स्कैम, ये भी आप कोई भी मैसेज कमेंट्स बार बार एक ही को करके कॉपी करके पेस्ट करें तो फिर भी आपका चैनल रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट चलाओ, मैं आपकी प्लेलिस्ट चलाऊंगा, इस तरह हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप ये काम करते हैं YouTube पे, तो जब आपका चैनल उसकी पकड़ में आता है तो फिर भी आपका चैनल रिमूव कर दिया जाता है। फिर एडिशनल पॉलिसीज में आ जाता है, आपको मार्क करके दिखाता हूँ। दो नंबर में आ जाता है सेंसिटिव कंटेंट, इसमें दोस्तों आपने क्या करना होता है, चैट सेफ्टी का क्या रखना होता है, थंबनेल्स, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, सुसाइड एंड सेल्फ हार्म, वल्गर लैंग्वेज। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ ना कि आप अगर गाली गलौज वाले मैसेज या कमेंट करते हैं तो आपकी वीडियो पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सही नहीं पड़ता और आपका चैनल रिमूव हो सकता है। और बच्चों की सेफ्टी का क्या रखना पड़ता है, और जो आप थंबनेल लगा रहे हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, और कोई भी न्यूडिटी या सेक्सुअल कंटेंट आप वो अपलोड ना करें, और कोई आदमी खुदकुशी कर रहा है आप उसको वीडियो को अपलोड करते हैं वो भी YouTube की पॉलिसी के ख़िलाफ़ आता है। इस तरह दोस्तों अगर आप गाली गलौज करते हैं अपनी वीडियो में आके या किसी की वीडियो में जाके कमेंट करते हैं, उससे भी आपका चैनल रिमूव हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ये जो फायर आर्म्स है, कहीं आग वगैरह लगी होती है फिर भी आप जाके वीडियो बना के शो कर देते हैं, मतलब कोई भी नुकसानदेह चीज़ जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, आप ऐसी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं तो फिर भी आपका चैनल रिमूव हो सकता है। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है ये सेल ऑफ इलीगल रेगुलेटेड गुड्स आर सर्विसेज,
इसमें भी है दोस्तों, आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर देते हैं जो फेक होती हैं, जो या किसी के साथ धोखा होता है, तो उससे भी आपका चैनल रिमूव हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ये आखिर में मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो सही नहीं होती है, तो फिर भी आपका चैनल रिमूव हो सकता है। इलेक्शन के बारे में भी हो सकती है, वो मेडिकल के बारे में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप ये बताते हैं कि आप थंबनेल में ये लिख देते हैं कि मेरी वीडियो देखेंगे तो आपके सब्सक्राइबर एक दिन में 1,000 हो जाएंगे, 5,000 हो जाएंगे या 4,000 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते, तो ये भी मिस इन्फॉर्मेशन में आते हैं। इस तरह मेडिकल के बारे में भी मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है और इलेक्शन के बारे में भी हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉलिसीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो दोस्तों जब आप YouTube पे काम कर रहे होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि मैं तो काम सही कर रहा हूँ, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वार्निंग नहीं आई, तो आप ये वेट करते रहते हैं दोस्तों कि पहले मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस की वार्निंग आएगी, उसके बाद एक नंबर स्ट्राइक आएगी, फिर दो नंबर आएगी, फिर तीन नंबर आएगी तो मेरा चैनल डिलीट होगा। तो दोस्तों आजकल आपको पता है जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है, तो आपको उसके मुताबिक चलना चाहिए। अभी मैं आपको अपना सेटअपिक की तरफ लेके जाता हूँ कि शुरू में मैंने बताया था कि YouTube जो है बहुत से चैनल डिलीट कर रहा है बगैर वार्निंग के, बगैर स्ट्राइक के, तो ये कैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब आप नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहे होते हैं ना, मिसाल तौर पर आपने किसी की जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया, एक वीडियो अपलोड कर दी, तो जब दोस्तों आप वीडियो अपलोड कर देंगे उससे तो फिर आपको ये होगा ना, पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस की वार्निंग आएगी, उसके बाद एक नंबर स्ट्राइक आएगी अगर आप 90 डे में दोबारा उसकी कोई वेलेशन करते हैं, दोबारा कोई ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं। इसके बारे में दोस्तों आप YouTube पे काम कर रहे हैं, जब आप नए यूट्यूबर होते हैं आप सीखने में भी इतनी तवज्जो नहीं देते, बस वीडियो बना रहे हैं अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं अपलोड कर रहे हैं, उससे क्या होता है दोस्तों, आप लाइव कर रहे हैं या आप लिंक को शेयर कर रहे हैं या आप प्ले लिस्ट चला रहे हैं या आप थंबनेल में मिस्टेक कर रहे हैं, आप क्या करते हैं दोस्तों, यूट्यूब की पॉलिसीज़ की जो वायलेशन होते हैं ना, आप एक वीडियो में भी कभी कभी ऐसे करते हैं, 5-6 चीज़ों की वायलेशन कर देते हैं। मिसाल तौर पर प्ले लिस्ट चला के रख दी, एक ही लिंक को बार बार शेयर कर दिया, इसमें थंबनेल में कोई मिस्टेक कर दी, टाइटल को बार बार रिपीट कर दिया। जब दोस्तों आप एक ही बार में यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की बहुत सारी चीज़ों की वायलेशन कर देते हैं ना, इस सूरत में जो यूट्यूब होता है ना आपको कोई वार्निंग, कोई स्ट्राइक नहीं देता, वो बिल्कुल आपका चैनल डिलीट कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आज जो कुछ मैंने बताया है, इसके बाद आप यूट्यूब पर एहतियात से काम करेंगे ताकि आपका चैनल सेफ रहे और आप यूट्यूब से अर्निंग करते रहें। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपका चैनल कभी भी ख़राब नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको बता दिया कि YouTube बहुत से चैनल क्यों रिमूव कर रहा है, कोई वार्निंग क्यों नहीं देता है, क्यों जब आप एक साथ ज़्यादा पॉलिसीज़ की वायलेशन कर देते हैं ना फिर वो आपको मौका नहीं देता वार्निंग का, और सिरे से आपका चैनल डिलीट कर देता है। मतलब आपने बहुत सारी इसकी जो पॉलिसी है ना उसको वायलेट कर दिया एक टाइम में, जैसे मैंने बताया था एक्सटर्नल लिंक्स, किसी की प्ले लिस्ट चला के रख देना रात को सो गए, और थंबनेल, टाइटल एक साथ वायलेशन कर देता है ना 3-4 चीज़ों की, फिर वो आपको वार्निंग का टाइम नहीं देता, स्ट्राइक का टाइम नहीं देता, आपका चैनल रिमूव कर देता है। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, उससे ये होगा ना जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।